ना कॉटन इज ए सॉफ्ट फाइबर डेट ग्रोज अराउंड द सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन एक सॉफ्ट फाइबर है जो कि सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट से ग्रो किया जाता है। बोथ प्लांट एंड द फाइबर्स आर कॉल्ड कॉटन। प्लांट और फाइबर्स दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, कॉटन कहते हैं। कॉटन प्लांट इज ऑफ मीडियम साइज और पेंटाफिड ब्रॉड लीव्स। कॉटन प्लांट जो होता है मीडियम साइज का होता है और पेंटाफिड ब्रॉड लीव्स होते हैं। दीज फाइबर्स आर एक्चुअली द ग्रोथ ऑफ द सीड कोट। ये जो फाइबर्स होते हैं सीड कोट के ग्रोथ से निकाले जाते हैं। सीड्स इन कॉटन इज कवर्ड ऑल अराउंड विद दीज फाइबर्स। अब इनके जो सीड्स होते हैं कॉटन के, ये कवर्ड रहते हैं फाइबर से, और फाइबर्स के अंदर 90% सेलुलोज होता है। क्या होता है, 90% सेलुलोज होता है। कॉटन प्लांट ग्रो ऑलमोस्ट एट ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट विद द कोल्ड क्लाइमेट। सब जगह ग्रो करते हैं लेकिन कोल्ड क्लाइमेट में ये ग्रो नहीं करते हैं, सिंस फ्रॉस्ट इज हार्मफुल, क्योंकि फ्रॉस्ट पानी रहता है फ्रॉस्ट में तो हार्मफुल रहेगा। कॉटन प्लांट्स जर्मिनेट इन मॉइस्ट सॉइल। लेकिन कॉटन प्लांट्स जर्मिनेट किस में करेंगे, मॉइस्ट सॉइल में। कॉटन प्लांट्स इज गुड ड्यूरिंग रेन्स। ग्रोथ इन प्लांट्स इज गुड ड्यूरिंग रेन्स। प्लांट के ग्रोथ के लिए बारिश तो चाहिए ही चाहिए, फ्रूटिंग के लिए ड्राई वेदर चाहिए, ठीक है। इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा सही रहता है। 20 डिग्री सेल्सियस बहुत ही ज्यादा सही है जर्मिनेट, ठीक है। कॉटन ऑफ इज ए वार्म सीजन क्रॉप। कॉटन क्या है, वार्म सीजन क्रॉप है। 80 to 120 सेंटीमीटर फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन क्रॉप। 80 to 120 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। कॉटन ग्रो करेंगे कब, कैल्शियम रिच सॉइल में, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात में, इन सब जगहों पर कॉटन ग्रो करते हैं, ठीक है। अब प्रोसेसिंग कैसे करते हैं कॉटन का। कॉटन को पहले हम लोग प्लांट करते हैं अर्ली स्प्रिंग में, फिर दो मंथ, इन अबाउट टू मंथ द प्लांट बिकम्स 1 to 2 meter टॉल। दो मंथ में ये 1 to 2 meter लंबा आ जाता है, फिर पिंक होता है, पिंक से रेड होता है। आफ्टर अबाउट 3 days द पेटल्स फॉलो। तीसरे दिन क्या होता है, पेटल्स गिरना चालू हो जाता है। लीव्स बिहाइंड ए ग्रीन सीड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बॉल कहते हैं, एक ग्रीन सीड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम लोग बॉल कहते हैं। और ये ग्रीन बॉल जो होते हैं ग्रो करते हैं और बाद में जाके एक स्मॉल सीड प्रोड्यूस करते हैं, एंड कॉटन फाइबर्स जो बाद में जाके जर्मिनेट होते हैं। जब ये पूरी तरह से जर्मिनेट हो जाते हैं तो वॉलनट और पूरी तरह से ब्राउन हो जाते हैं, और ये जब ब्राउन जब बस्ट करते हैं तो वाइट फ्लफी मास देते हैं जो कि बाद में ब्राउन सीड्स कंटेन करते हैं, कंटेनिंग ब्राउन सीड्स इनसाइड। दिस फ्लफी मास इज लेफ्ट ऑन द प्लांट एंड ड्राइड इन द सन। और यही फ्लफी मास को प्लांट के ऊपर छोड़ दिया जाता है और बाद में जाके सन में ड्राई किया जाता है, ठीक है। कॉटन इज प्लक्ड फ्रॉम द बॉल ऑन द प्लांट्स। कॉटन को प्लक किया जाता है, कॉटन इज प्लक्ड फ्रॉम द बॉल्स ऑफ द प्लांट। कॉटन को जो प्लक किया जाता है प्लांट के बॉल से, प्लक्ड कॉटन इज कॉटन सीड्स अराउंड ऑल अराउंड विद फ्लफी फाइबर्स। ये प्लक कॉटन जो होते हैं इनको कॉटन सीड से निकाला जाता है विद फ्लफी फाइबर्स होते हैं इनके अंदर। कॉटन इज हैंड पिक्ड। कॉटन को हाथ से पिक किया जाता है फ्रॉम प्लांट्स, बट द प्रोसेस इज लेंदी। लेकिन ये प्रोसेस क्या होता है, लेंदी रहता है, देयरफॉर कॉस्टली, और कॉस्टली भी रहता है। दिस इज बिकॉज ऑल द बॉल्स इन ए फील्ड डू नॉट राइपन एट वन टाइम। एक समय तो ये सारे कॉटन पक नहीं सकते हैं, तो इनको किया गया जाता है, दे राइप इन फेजेज। इनको फेज में सुखाया जाता है, किसको, कॉटन को। एंड सो पिकिंग टेक अप 2 months, इसलिए पिकिंग करने में 2 महीना लग जाता है। अब मशीन अब आ गया है, मशीन है देयरफॉर डेवलप्ड फॉर पिकिंग। अब मशीन आ गया है डेवलप करने के लिए। आफ्टर हार्वेस्टिंग द कॉटन फाइबर्स आर देयर सेपरेटेड बाय कॉम्बिंग। बाद में जाके इसको मिलाया जाता है, इसको गिनिंग कहते हैं। इट इज देन स्पिन इनटू थ्रेड। बाद में जाके उनको थ्रेड में स्पन किया जाता है और फिर से जाके वीव कर किया जाता है। इट इज एंड देन यूज टू मेक कॉटन फाइबर बाय वीविंग। बाद में जाकर कॉटन फाइबर बनाने के लिए वीविंग के थ्रू किया जाता है। नाउ इट इज मशीन्स आर यूज फॉर गिनिंग। मशीन का यूज करते हैं गिनिंग करने के लिए। इन टेक्सटाइल मिल्स फाइबर इज डायरेक्टली स्पन इन टू यार्न। टेक्सटाइल मिल्स में फाइबर को स्पन किया जाता है यार्न में स्पिनिंग मशीन के थ्रू। इन विलेज ऑफ इंडिया इट वॉज स्पन ऑन चीनिंग चरखा। चीनिंग चरखा से किया जाता था। द कॉटन यार्न इज देन यूज टू मेक खादी। बाद में जाके वो खादी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब कॉटन का यूज क्या क्या होता है। कॉटन पेन इज यूज टू क्लीन स्किन, स्किन क्लीन करने के लिए। टेक्सटाइल पिलो क्लॉथेज, रफ कॉटन क्लॉथ इज मॉप क्लीनिंग फ्लोर में यूज किया जाता है। वाइडली यूज अब्जॉर्बेंट कॉटन है ये। हाई क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग पेपर में यूज किया जाता है इनका। आर्टिफिशियल फाइबर्स लाइक रेयॉन्स में यूज किया जाता है इनका। एक्सप्लोसिव जैसे गन कॉटन में यूज किया जाता है, एक्सप्लोसिव कहीं करना है, एक्सप्लोजन टाइप में। द सीड्स ऑफ कॉटन ऑफ द used for making cotton seed oil, oil बनाने में cotton seed oil which is edible oil, जो edible है, मतलब खाने लोग जैसे
वेजिटेबल घी सोप में यूज करते हैं हम लोग, जिसको सम काइंड्स ऑफ पेपर एंड सिलोफोर आर यूज ऑल्सो मेड फ्रॉम कॉटन। कुछ काइंड के पेपर पेपर जो बनते हैं एंड सिलोफोरा जो बनते हैं वो सभी कॉटन से ही बनते हैं।